केटीएम है आपकी तो हमने यहां का एड्रेस बताया ब्लड नजर आ रहा है इसमें आदमी था काफ़ी सुंदर जगह है जो है और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा यहाँ पे आने का। सब लोग यहाँ पे आते हैं और काफ़ी अभी भी काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी यहाँ पे आते हैं जो यहाँ के इनके फॉलोवर हैं निरंकारी बाबा जी के, वो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। और भारत में भी इनकी बहुत वो फॉलोवर्स हैं, बहुत लोग इन्हें मानते हैं निरंकारी बाबा के नाम से। हम भी बचपन में यहाँ आया करते थे जब समागम हुआ करता था, एक तो ही निरंकार, एक तो ही निरंकार। काफ़ी अच्छा यहाँ का दृश्य है और काफ़ी अच्छा यहाँ का अनुभव है। काफ़ी साफ़ सुथरा और बहुत सुंदर पार्क बनाया हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सरोवर बनाया हुआ है। मेरे पीछे आप थोड़ा बहुत व्यू देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है वो पीछे मेरे जस्ट सरोवर है जहाँ पे फाउंटेन चलता है। ये फाउंटेन एरिया है, सरोवर उस साइड है, आप उस साइड सरोवर है, अभी तो बंद है लाल, कभी और हम आपको लेके चलेंगे। ये सरोवर की कैंटीन है, यहाँ पे कैंटीन खाने के लिए आप यहाँ खा सकते हैं अपने परिवार के साथ। ये हम लोगों ने अंदर एंट्री ले ली है, बहुत बहुत सुंदर सरोवर बनाया है इन्होंने। ये हमारे निरंकारी सरोवर के नाम से जाना जाता है और आज यहाँ कोई इवेंट है इसलिए यहाँ इतनी भीड़ है। यहाँ देख सकते हैं आप किसी इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। अक्सर यहाँ इतनी भीड़ होती है, हालांकि संडे को कुछ ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे फाउंटेन भी है जहाँ पे आप वो लाइट और उसके सॉन्ग के साथ काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फाउंटेन है। आप यहाँ ये सेवादारों की भीड़ देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं फाउंटेन एरिया की तरफ। ये सरोवर के बीच का पार्क है और वो आप देख सकते हैं वो फाउंटेन एरिया है पूरा, ये सरोवर के बीच का पार्क है। ये रास्ता है, ये यहाँ पे पीछे आपको वो तालाब बना रखा है यहाँ पे नहाने के लिए, वहाँ की तरफ ले जाता है और ये फाउंटेन है वहाँ पे। चलिए हम फाउंटेन की तरफ चलते हैं। और ये जो छोटे छोटे से बने हुए हैं ना, इसमें लाइट्स और सॉन्ग्स प्ले होते हैं शाम के वक्त में। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है ये फाउंटेन। आज के लिए तो ये बंद है, हालांकि ये जो फाउंटेन है ये आपका फ्राइडे, सैटरडे और संडे चलता है। फ़िलहाल अभी बंद चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, जैसा कि यहाँ के महाराज जी ने बताया। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें ये बात बताई, इन्होंने कहा कि आप और आज तो अंदर का सरोवर भी बंद है जिस वजह से हम सरोवर नहीं ले जा सकते हैं आपको। उन्होंने कहा कि कल से सरोवर खुल जाएगा तो हम आपको कभी और आएंगे तो हम आपको यहाँ ले कर चलेंगे। आज के लिए आप इतना ही दृश्य देख सकते हैं और बहुत जल्द मैं अपनी अगली ब्लॉग्स में आपको ये सारी चीज़ अंदर की भी दिखाऊँगा। काफ़ी सुंदर है, बहुत अच्छा बनाया है, यहाँ आके एकदम मन शांत हो जाता है। आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे पार्क में आ सकते हैं, काफ़ी एंजॉयबल है। जब मैं छोटा था मेरे पापा भी मुझे यहाँ लाया करते थे बचपन में, अक्सर हम लोग यहीं खेला करते थे पकड़म पकड़ाई छुपन छुपाई, और हम लोग अपने कॉलोनी के बच्चे भी साथ में आया करते थे मॉर्निंग में रनिंग करते हुए। पास में ही है ये एड्रेस, यहाँ का है बुराड़ी, बुराड़ी मेन रोड के पास ही है ये। आप यहाँ पे GTB नगर मेट्रो आके वहाँ से ऑटो मिलते हैं निरंकारी सरोवर के लिए, आप यहाँ तक आ सकते हैं और आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं बुराड़ी का एड्रेस डाल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और ऐसे ही हमें अपना प्यार भेजते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज मैं अभी अभी नहा के आया हूँ तो थोड़े बाल मेरे ख़राब से हैं,
मिलते हैं नेक्स्ट।